बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार के सियासी गलियारे से जो महत्वपूर्ण खबर आ रही है, आरजेडी ने कांग्रेस को चेतावनी दे दी है कि अगर बिहार में आरजेडी से पंगा लिया है तो केंद्र में गठबंधन टूट जाएगा। ये बयान आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दिल्ली में सरकार बनानी है तो आरजेडी से किसी तरह का कोई संकट लेने का काम नहीं करेंगे। तो देखिए, तलखी अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब कहीं ना कहीं एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से चेतावनी दी गई है, और वो भी चेतावनी प्रदेश अध्यक्ष, जी हां, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दिया। उन्होंने सीधे में तौर पर कह दिया है कि अगर कांग्रेस इस तरह से कुछ भी, लगातार आप देख रहे हैं कि जो तलखी देखने को मिल रही है, यहां तक ये तक कह दिया कि केंद्र में भी गठबंधन टूट जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में महागठबंधन है और इस देश में के साथ बिहार में भी महागठबंधन है, और बिहार जिस दिन महागठबंधन में नहीं रहेगा वो देश के सारे गठबंधन टूट जाएंगे। और जब जब तक भारत की सरकार बदली है, इस बिहार ने बदला है, इसलिए जिन्हें दिल्ली में सरकार बनानी है, मुझे नहीं लगता है कि राजद से कोई किसी तरह का अपने ऊपर संकट लेने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल तो बड़ी पार्टी है विधानसभा में, लेकिन यह भी तो कटु सच है कि अंदरूनी मामला आपका है, लेकिन लोकसभा में बोहनी भी नहीं हुआ है। कांग्रेस का तो एक सदस्य है कम से कम, उसके बावजूद यह राजनीति का अहंकार है। भाई, गठबंधन के घटक दल से आपने आपको आपसी समन्वय स्थापित करना, उनके अपने साथ चलने वाले के प्रभारी के बारे में राजनीति में अपशब्द का इस्तेमाल करना, और यह बताना कि हम ही हैं तब पृथ्वी चल रहा है, सेकुलरिज्म के नाम पर संपत्ति सृजन करने की जो राजनीति की जो परंपरा के मुख्य वाहक है राष्ट्रीय जनता दल, अगर उसमें कुछ संभावना भी लोग खोजते हैं तो यह उनका राजनीतिक दुर्भाग्य हो सकता है। कांग्रेस अपने कुकर्मों के बल पर पूरे देश में आज छोटे छोटे रीजनल दलों के सामने कटोरा लेकर के गिड़गिड़ा रहा है, और आज छोटे छोटे रीजनल दल जो परिवारवादियों का समूह है वो सब कांग्रेस पार्टी को धमकी दे रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस के लिए कुछ नहीं है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। और कांग्रेस जैसे पार्टी, ये जितने भी घोटालेबाज दल हैं, परिवारवादी दल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के डर से आपस में सटे हुए हैं, और इनका जब अवसरवाद आपस में टकराता है, अहंकार की टकराहट होती है, तो ये आपस में भिड़ जाते हैं और अपना एक दूसरे को औकात दिखाने लगते हैं। जगदा बाबू बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, वो कांग्रेस की औकात जब दिखाने का प्रयास करते हैं जनता उनको औकात दिखा देती है। 2009 में वो हमसे अलायंस तोड़े और उनके बिना UPA 2 हम बनाए, लेकिन 20 साल में एक उदाहरण दें जगदा बाबू कि बिना कांग्रेस के सहयोग के वो सत्ता में आ पाए, और विपक्ष में भी है तो उसमें कांग्रेस पार्टी का बड़ा योगदान है। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है और कई चुनाव हम लोगों ने साथ लड़े हैं। कांग्रेस पार्टी को इस बात को समझना पड़ेगा कि राज्य में क्षेत्रीय पार्टियों को अगर तवज्जो मिलेगी, क्षेत्रीय पार्टियां अगर मजबूत होंगी, तभी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को बल मिलेगा। कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर रहते हैं, लेकिन जो हमारे विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस की हैसियत बता दी, पहले NDA में तो JDU BJP एक दूसरे को रोज हैसियत बता रही है, चारों दल एक दूसरे को हैसियत बताने में लगे हुए हैं। पहले NDA के लोग अपने घरों को संभालें, अपने गठबंधन को संभालें। हमारा गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है, महागठबंधन। तो बाकी राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। जिस तरह से आप देख रहे हैं महागठबंधन में आपस में ही एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से आशुतोष चंद्रा लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, एक बात तो समझ में आ गया कि आप ये बखूबी समझिए कि कांग्रेस की स्थिति क्या रह गई है। राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो RJD है वो धमकी दे रही है कि देखिए, अगर हमारे साथ सही से नहीं पेश आए और कहीं ना कहीं किसी तरह के संकट लेने का काम नहीं करेंगे, और ये तक कह दिया है कि हम तो गठबंधन तोड़ देंगे, तो क्या आपको बाखूबी लगता है कि अब कांग्रेस का वक्त आ गया है कि अब आपको मंथन करना होगा, क्योंकि अब सीधे तौर पर तल्ख टिप्पणी कर दी है प्रदेश अध्यक्ष ने?
नहीं, ये बार बार कांग्रेस को उसकी हैसियत बताने की कोशिश हो रही है आरजेडी की तरफ से, और ये कोई पहला मर्तबा नहीं है। इससे पहले भी आप देखेंगे तो इतिहास में कांग्रेस को यही फजीहत झेलनी पड़ी है। और सबसे बड़ी बात, जिस लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं या केंद्र की बात कर रहे हैं, आप पिछले लोकसभा चुनाव में देखेंगे कि आरजेडी को एक भी सीट नहीं आ पाई, और कांग्रेस को कितना फायदा मिला ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। इससे पहले थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो 2009 में भी आरजेडी और कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा था, आरजेडी की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। इसके अलावा 2010 विधानसभा चुनाव की बात करें, आरजेडी सिमटकर 22 पर आ गई थी, कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव आरजेडी ने नहीं लड़ा था। तो इतिहास गवाह रहा है कि दोनों का अलायंस जो है वो दोनों के ही हित में होता है। जब जब आरजेडी कांग्रेस को औकात बताने की कोशिश करती है तब तब परेशानी होती है। अब जरा अभी जो जगदानंद सिंह ने कहा है कि आप केंद्र की तरफ देखिए, आपका मकसद जो है वो पीएम की कुर्सी है, आप विधानसभा और विधान परिषद पर आप ध्यान लगाना छोड़ दें, तो सवाल ये है कि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस वक्त जब सीट शेयरिंग की बात आ रही थी तो उस वक्त भी कांग्रेस को कम सीटें दी गई आरजेडी के तरफ से, तो हर वक्त दबाने की कोशिश कांग्रेस को की जाती रही है। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कई नेता इसी विधान परिषद की सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली में लगातार एक दिन तक बैठे रहे इंतज़ार में कि लालू प्रसाद यादव का फ़ोन आएगा, बातें बन जाएंगी, कुछ सीटें मिल जाएंगी, लेकिन नतीजा सबके सामने है। तो ये क्या कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस आलाकमान क्या फैसला लेता बिल्कुल, है? और देखिए आशुतोष, ये तो हम सबने देखा कि कांग्रेस ने बहुत कोशिश भी की थी, अगर विधान परिषद चुनाव हम साथ मिलकर चले, और आपको याद होगा कि कांग्रेस तो यही कहती थी गठबंधन साथ में रहेगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कह दिया था। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से अब ये बयान सामने आया है कांग्रेस अपना क्या स्टैंड लेती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। पटना से बड़ी खबर बता दें, आज से सीएम का जनता दरबार होगा। कोविड को लेकर जनता दरबार कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था, कोविड संक्रमण कम होने के बाद यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर फरियादियों की आप भीड़ भी देख सकते हैं, दूर दराज से यहां पर फरियादी पहुंच रहे हैं। और जनता दरबार की बात की जाए तो वाकई देखिए जो फरियादी होते लंबे वक्त से इंतजार करते रहते हैं। एक बार फिर से आज से जनता दरबार शुरू हो रहा है। कोविड प्रतिबंधों की वजह से जनता दरबार भी जो है उस पर ब्रेक लगा हुआ था, लेकिन आज से देखिए कि आज